हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, सुबह का हेल्दी नाश्ता हो या शाम का चटपटा स्नैक, बच्चों का लंच बॉक्स हो या हो मेहमानों को कुछ चटपटा खिलाना, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसा चटपटा नाश्ता जो कि हम बहुत ही कम तेल में बनाने वाले हैं। मात्र 3 चीजों से ये नाश्ता झटपट से बनकर इतना टेस्टी तैयार होता है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कम तेल में बने हुए इस यूनिक और चटपटे से नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसके लिए मैंने 2 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो सबसे पहले ब्रेड को छोटा छोटा करके एक मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसे बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ब्रेड को मैंने अच्छी तरीके से ग्राइंड करके उसका ब्रेड क्रम बना लिया है। इसे बोल में निकाल लेते हैं और साइड में रख देंगे, इसे हम बाद में यूज करेंगे। अब एक दूसरा बोल ले लेंगे। यहाँ पे 4 मैंने उबले हुए मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं। इन्हें हम अच्छी तरीके से ग्रेट करके बाउल में डालेंगे। तो बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे, आप बहुत ही बारीक मैश भी कर सकते हैं। बट इस तरह से बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करने से आलू में कोई भी लम्स नहीं होते और हमें बिल्कुल भी लम्स नहीं चाहिए आलू में। यहाँ पे बारीक मैंने आलू को ग्रेट कर लिया है। आलू में अब हम ऐड कर देंगे 1/2 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, आप लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही ऐड कर देंगे 1/2 छोटा चम्मच ही ओरिगैनो। ओरिगैनो से बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है, बट अगर आपके पास नहीं है तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही ऐड कर देंगे 1/2 छोटा चम्मच ही जीरा। इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे बहुत ही कम चीज़ें हमने आलू में ऐड की हैं जो कि आसानी से घरों में मिल जाती हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर। आप यहाँ पे अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे नाश्ता काफ़ी क्रिस्पी बनता है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स जो हमने ब्रेड के स्लाइसेस से बना कर रखा था। इसे हम बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। तो आधा मैंने पहले ऐड किया है, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, फिर आधा ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हम अच्छी तरीके से गूंथते जाएंगे तो ये डो के फॉर्म में आ जाएगा। बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करना है यहाँ पे। आलू के मिक्सचर से ही अच्छे से बाइंड हो जाएगा। अगर आपके आलू में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है और अभी भी आपका डो बहुत ज़्यादा गीला है तो 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर की मात्रा बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। देखिए, इसका डो मैंने तैयार कर लिया है, आपको दिखा देती हूँ। इस तरह का होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा टाइट है ना तो बहुत ज़्यादा गीला है। देखिए, तो चलिए अब हम इसे बेल लेंगे। तो चकला बेलन ले लेते हैं। अब डो का थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेते जाएंगे, हथेलियों के बीच रखते हुए थोड़ा सा घुमा लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम रोटी बनाते टाइम करते हैं। और अब हम इसे बेलेंगे। बेलने से पहले थोड़ा सा चकले और बेलन पे तेल लगा लेते हैं। वैसे तो ये नहीं चिपकेगा इसमें, बट इजली वो निकल आए उसमें से, इसलिए तेल थोड़ा सा लगा लेंगे और इसे बेल लेंगे हल्के हाथों से। तो देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, मैंने इसे बेल लिया है और शेप जैसा भी हो आपको बेल लेना है। थिकनेस इसकी मीडियम रखनी है आपको। दूसरा वाला भी ऐसे ही बेलेंगे। तो इसी तरह से हथेलियों के बीच घुमाते हुए गोल आकार दे देंगे और इसे बेल लेंगे हल्के हाथों से। ये सेम उसी तरह से दूसरा भी मैंने तैयार कर लिया है बेल करके। क्योंकि होने की वजह से साइडों से थोड़ा सा फटने लगता है, तो कोई बात नहीं, हल्का सा हाथों से इस तरह से प्रेस कर देंगे तो ये चिपक जाएगा। अब हम क्या करेंगे, चीज़ लेंगे। तो चीज़ आप यहाँ पे कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ लिया है, क्यूब चीज़ है तो ग्रेट करके ले सकते हैं। स्लाइस चीज़ भी यहाँ पे छोटा कट करके ले सकते हैं। तो 2 छोटे चम्मच चीज़ मैं बीचों बीच इसके रखूँगी। अगर साइडों पे है तो उसे बीच में कर लेंगे, क्योंकि साइड में बिल्कुल भी चीज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये चिपकेगा नहीं। अब यहाँ पे पानी वानी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा वाला पीस डायरेक्टली लेंगे और ऊपर से इस तरह से चीज़ को कवर करते हुए रख देंगे और अच्छे से हथेलियों के बीच रखते हुए चिपका देंगे। इसे पलट कर दूसरे साइड से भी हल्का सा प्रेस कर देंगे हथेली से, ताकि अच्छे से साइड्स इसके चिपक जाएं। इसे राउंड शेप में कट करेंगे। मैं इसे कटोरी की मदद से हेल्प से कट कर लूँगी। आप यहाँ पे कोई भी कुकी कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं कट करने के लिए। जितने भाग में आपने चीज़ रखी है उसी के नाप से ही ग्लास या कटोरी का इस्तेमाल करें कट करने के लिए। अगर चीज़ वाला पार्ट कट हो जाएगा तो चीज़ बाहर आने लगेगा, ध्यान रखते हुए कट करें। तो देखिए, इसलिए कटोरी की मदद से गोल शेप में कट हो गया और चकले से इजली ये निकल गया, बिल्कुल भी नहीं चिपका। कोई भी यहाँ पे सूखा आटा या मैदा हमने इस्तेमाल नहीं किया ऐसे बेलने के लिए। तो ये हो गया है तैयार, ऐसे ही हम बाकी के भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी को मैंने तैयार कर लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। आप यहाँ पे कोई भी तवा या पैन ले सकते हैं। उसे अच्छे से गर्म करने के बाद उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को तवे पे अच्छे से फैला लेंगे, बाद अपना नाश्ता डाल देंगे इसमें। और नाश्ते को 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से उलट पलट करते हुए दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे। और देखिए कितना कम तेल यूज़ हुआ है, इतने में ही बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी ये तैयार हो जाएगा।
हाई फ्लेम पे भी इसे फ्राई नहीं करें, नहीं तो ये ऊपर ऊपर से जल जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। लो फ्लेम पे बिल्कुल भी फ्राई ना करें, नहीं तो ये फट जाएगा, चीज़ इसमें की सारी बाहर आ जाएगी। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपको फ्राई करना है दोनों साइड से उलट पलट करते हुए, अच्छा लाइट गोल्डन कलर आने तक। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से दोनों साइड से क्रिस्पी से ये फ्राई हो गए हैं, तो इन्हें निकाल लेंगे। बहुत ही टेंटिंग लग रहे हैं, मुंह में अभी से आने लगा होगा पानी। देखिए चीज़ इसमें से कैसे बाहर आ रही है, तो चलिए निकाल लेते हैं सभी को और दूसरा बैच ऐसे ही हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इसमें काफ़ी सारा तेल बच गया है, इसी में ही फ्राई कर लेंगे, बाकी के अलग से तेल ऐड नहीं करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटाकेदार, यम्मी सा नाश्ता जो है बिल्कुल यूनिक सा, बहुत ही कम तेल में बनकर तैयार हो चुका है। झटपट से जाइए और रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मिलूंगी ऐसे ही नई और टेस्टी न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।